चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की एक सुपरहिट मूवी रही थी। इस मूवी में शाहरुख राहुल नाम से नजर आए हैं। राहुल रामेश्वर में अपनी मृत दादी की अस्थियां विसर्जित करने जाते हैं। हालांकि उन्हें ट्रेन में बैठने के बाद भगोड़ी दुल्हन मीना मिलती है, जिसकी मदद करने से शाहरुख को मीना के परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ता है और इसी पर पूरी मूवी बनी हुई है। इस मूवी को 8 अगस्त 2013 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को बनाने में 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस मूवी में मीना के रूप में नजर आई है दीपिका पादुकोण। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 423 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यह मूवी शाहरुख खान की एक सुपरहिट मूवी रही थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट इस मूवी को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मूवी को हम फुल एक्सप्लेन करें तो कमेंट में जरूर बताएं।